अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी। ये मैंने आलू लिए हैं, बैंगन लिए हैं और ये प्याज लिए हैं। अब मैं इनको काट के आपको दिखाती हूँ और इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ले जी, हमारी सब्ज़ियाँ वो कट गई हैं। ये मैंने आलू काटे हैं छोटे छोटे क्यूब करके, ये प्याज और ये हमारी बैंगन है। मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है क्योंकि हम हार्डली 3-4 लोगों के लिए मुझे बनानी है। सो मैंने सब्ज़ी को काट लिया है, अब इसे हम पकाएंगे। अब क्या है कि सबसे पहले हमें कढ़ाई लेनी है और उसमें जो हमने प्याज काटे थे दो छोटे से दरमियाने से, वो डालने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें ऑयल डालेंगे और मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें ओलिव ऑयल है। ओलिव ऑयल के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, स्पेशली इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो कोशिश करके आप अपनी डाइट में जो वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसमें ओलिव ऑयल यूज़ करें। तो ऑयल मैंने इसमें डाल लिया है, अब इसको हम रखेंगे गैस के ऊपर और गैस को ऑन करेंगे और पकाएँगे अपनी सब्ज़ी। तो ये देखिए जी, हमारे प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने के लिए पक रहे हैं। ये सब्ज़ियाँ मैंने धो ली हैं और यहाँ पे मैंने टमाटर काट लिए हैं। ये बहुत ही सिंपल सी टेस्टी सी सब्ज़ी बनती है। और दूसरी बात ये कहनी थी कि आज जुम्मे का दिन है, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जुम्मे के दिन में गुस्ल लेके, अच्छे कपड़े पहन के, इत्र लगा के और नमाज़ पढ़नी चाहिए, नाखून काटने चाहिए और सूरह कहफ पढ़नी चाहिए। और असर के बाद जब ये जुम्मे का दिन ख़त्म होने वाला आता है तो हमें खूब खूब दुआएं करनी चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि उस वक्त अल्लाह बहुत ज़्यादा सुनता है और ये जुम्मे का दिन बहुत ही पाक है। सो मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक हम अपनी सब्ज़ी को देखते हैं। ये देखिए जी, हमारे जो प्याज हैं वो हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें आलू और बैंगन शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो जले नहीं। पानी भी शामिल कर दिया ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो जले नहीं जी। तो बीच में मैंने छोड़ के चली गई थी क्योंकि मेरी बेटी पीछे रो रही थी। तो अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसाले सिर्फ दो ही हैं, एक नमक है और मिर्च है, लाल मिर्च। जितनी आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे उतनी ही आपकी सब्ज़ी टेस्टी होगी। तो पहले हम इसमें ऐड करते हैं लाल मिर्च। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से डालें कि आपको तीखा कितना पसंद है या साल्टी कितना पसंद है। और नमक भी हम उस हिसाब से डालेंगे। उसके बाद हम चखेंगे कि इसके जो स्पाइसेस हैं वो पूरे हैं कि नहीं है, तो उसके बाद हम फिर ऐड करेंगे। पहले ही हमें ज़्यादा ऐड नहीं करनी है और नमक कम ही डालें तो सही है क्योंकि ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम काज करवा सकती है, क्योंकि इसमें हम सोडियम होते हैं। रेसिपी के साथ साथ मैं आपको हेल्थ टिप्स भी बता रही हूँ। उसके बाद हम इसको घुमाएँगे अच्छे तरीके से। टमाटर मैंने इसके साथ शामिल नहीं किए क्योंकि फिर हमारी जो सब्ज़ी थी वो सही से गलनी नहीं थी, इसीलिए टमाटर हम तभी शामिल करेंगे जब तक हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। यहाँ मैंने टमाटर भी काट लिए हैं और ये ग्रीन चिली एंड मिंट। अब जी हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं क्योंकि हमारी सब्ज़ी अच्छे से गल गई है एंड कलर भी चेंज कर लिया है। सो प्रोफाइल जी, अब हम इसमें टमाटो के गलने का इंतज़ार करेंगे, फिर इसका नमक टेस्ट करेंगे एंड देन हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। इसको ढक देंगे और इसे पकने देंगे 5 मिनट तक। मैंने इसमें अब थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है लेकिन इसका नमक बहुत कम है, तो आ जाएँ थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करते हैं बिकॉज़ इसमें बिल्कुल कम था। तो यहाँ पे जी मैंने सैलेड काट लिया है। सैलेड खाना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बाकी खानों की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, आलू हो गई, रोटी हो गई। तो सैलेड ज़रूर खाएं लंच के टाइम, डिनर के टाइम। हमारी सब्ज़ी पक गई है, अब इसमें हम करेंगे गार्निश, अच्छी सी गार्निश। गार्निश के लिए मैंने लिए हैं ये धनिया हो गया, पुदीना हो गया और हमारी हरी मिर्च हो गई और थोड़े से छोटे से अदरक के टुकड़े। तो जी मज़ेदार सी सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। देखने के लिए शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने। और ये हमारी सब्ज़ी हो गई है तैयार, अब इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।